गुड मॉर्निंग एवरीवन, नाउ वी आर वेलकम बैक अगेन। और हम लोग न्यूट्रिशन चैप्टर डिस्कशन कर रहे थे ऑफ द चैप्टर लाइफ प्रोसेस। न्यूट्रिशन इज अ सब टॉपिक और उसमें भी कई सारे सब टॉपिक थे। हम लोग पढ़े थे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, जिनमें सबसे पहला टाइप ऑफ न्यूट्रिशन था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, पूरी तरह से हम लोग समाप्त कर चुके थे। और जिनके मन में डाउट था वो भी डाउट मेरे सामने आया और होपफुली हम अभी तक उनके सारे डाउट्स को क्लियर कर पा रहे होंगे। अब हम लोग चलते हैं टू द मोस्ट इंटरेस्टिंग, और ये न्यूट्रिशन का बोल सकते हैं सोल है, दैट इज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन द सेकंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसा कि हम आपको पहले भी बताए थे कि न्यूट्रिशन एक समझ लीजिए बिल्कुल एक माँ की तरह है। एक माँ है जिनके दो बच्चे हैं, पहले बच्चे का नाम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है और दूसरे बच्चे का नाम है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और दोनों बच्चे बिल्कुल अपोजिट हैं। एक जो हर एक काम के लिए अपने माँ के पास डिपेंडेंट रहते हैं और एक जो कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, अपने सेल्फ डिपेंडेंट है, अपने ऊपर ही डिपेंडेंट है, बाकी उनको किसी से भी सहायता लेने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ लिए थे, अब इसका दूसरा पहलू दूसरा फेज पढ़ते हैं जिनका नाम है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हम लोग पहले भी बात कर चुके थे कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का बिल्कुल अपोजिट है, वो इंडिपेंडेंट था, डिपेंडेंट ऑन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। बट यहां पर क्या होगा, ये एक ऐसा काइंड ऑफ न्यूट्रिशन है जो डिपेंडेंट रहेगा। एंड द काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फॉलो करेंगे उनको अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म या फिर ऑर्गेनिक सब्सटेंस के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन विच ऑर्गेनिज्म डिराइव देयर एनर्जी फ्रॉम द इनटेक एंड डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रिपेयर्ड बाय ऑटोट्रॉफ्स एंड अदर ऑर्गेनिक सोर्सेस। एक एक कर आते हैं, एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिनमें ऑर्गेनिज्म अपने फूड कहिए या फिर एनर्जी को डिराइव करते हैं। जाहिर सी बात है, एनर्जी डिराइव होंगी तो फूड से ही होगी। एनर्जी को डिराइव करते हैं कैसे करते हैं, तो ये पहले फूड को इंटेक करेंगे और अंदर में ही डाइजेशन होगा। अच्छे से आज हम लोग जानेंगे डाइजेशन की क्या होता है। डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस याद रखिएगा, ये जो इंटेक कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस ही होना चाहिए। यहां पर डाइजेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, यहां पर दो चीज होने वाला है, एक इंटेक होने वाला है और एक डाइजेशन होने वाला है। और किसका होने वाला है भैया, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का होने वाला है, लेकिन उसको प्रिपेयर कौन किया है, ऑटोट्रॉफ्स किया है या फिर कोई दूसरे ऑर्गेनिक सोर्सेस से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ज्यादातर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को ही फॉलो करेंगे। आपके सामने खुद एक ह्यूमन बींग का एग्जाम्पल है, वो खुद हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ही परफॉर्म करेगा। जो जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ही परफॉर्म करेंगे।
तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, इसमें वर्सेटैलिटी बहुत ज्यादा है, इनमें डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। हेटरोट्रॉफ न्यूट्रिशन करने वाले ऑर्गेनिज्म में एक छोटे सेल से लेकर एक बड़े सबसे बड़े मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी ये हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को फॉलो करेंगे। तो ये आपका बेहतरीन डेफिनेशन हो सकता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का, जिसमें बहुत हद तक 10th क्लास के लेवल पर बहुत सारी बातें कही गई है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। और हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जो ऑर्गेनिज्म हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को फॉलो करेंगे उनको हम लोग हेटरोट्रॉप्स कहेंगे। दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स कहा जाएगा, ठीक है। और जनरली किनके किनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, तो परफॉर्म्ड बाय ऑल एनिमल्स, परफॉर्म्ड बाय ऑल एनिमल्स। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और वैसे कुछ कुछ प्लांट्स को भी हम हेटरोट्रॉफ न्यूट्रिशन में शामिल करेंगे जिनके साथ ऊपर वाले ने नाइंसाफी किया है। कहने का मतलब उनको क्लोरोफिल नहीं दिया है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं दिया है, तो वैसे प्लांट्स को हम लोग कहते हैं नॉन ग्रीन प्लांट्स, नॉन ग्रीन प्लांट्स। वो भी हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करने के लिए ही आएंगे। आप लोग ये पूरा लिख लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चर्चा करते हैं कि सर ये हेटरोट्रॉफ न्यूट्रिशन में आपने अभी बताया कि काफी ज्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, 1.2 मिलियन स्पीसीज इन दिस लिविंग वर्ल्ड परफॉर्म करते हैं ये हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सिंपल सी बात है। तो सर सारे एक ही जैसे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन थोड़ी परफॉर्म करेंगे, तो उसी बेसिस पे सारे ऑर्गेनिज्म का स्टडी करकर हम लोग जाने हैं कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के भी कुछ कुछ सब टाइप्स हैं, कुछ कुछ टाइप्स हैं, और उनको हम लोग मेन टाइप्स में डिवाइड किए हैं जो कि 5 प्रकार के। आप लोग के पहले लास्ट पार्ट, पहले आप पार्ट देखिएगा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन में, तो हमने ये बात बता दिया है। खैर एक बार फिर से आपका एक रिवीजन हो जाएगा जल्दी से क्विक रिव्यू। सबसे पहला था होलोजोइक टाइप्स है, दीज आर द टाइप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। सेकेंड वन इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। द थर्ड वन इज सैप्रोट्रॉफिक फोर्थ वन इज सिम्बायोटिक एंड द लास्ट वन इज स्कैवेंजिंग। होलोजोइक पे भैया हम लोग भी आते हैं, यूनिसेलुलर में आते हैं, हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ह्यूमन बीइंग खुद होलोजोइक न्यूट्रिशन फॉलो करेगा। क्या होता है होलोजोइक में थोड़ा देर के बाद हम लोग जानते हैं, इसके एग्जांपल्स हम लोग लिख लें। उनको कहा जाता है एनिमल लाइक न्यूट्रिशन, सबसे इंपॉर्टेंट है एनिमल लाइक न्यूट्रिशन। ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन को एनिमल लाइक न्यूट्रिशन भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। पैरासिटिक में क्या है, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाकर अपना खाना ऑब्टेन करेगा, और दूसरे ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहेंगे होस्ट, और वैसे ऑर्गेनिज्म जो खाना डिराइव कर रहे हैं उनको कहेंगे पैरासाइट। दो प्रकार के पैरासाइट है, बॉडी के अंदर भी रह सकते हैं, बॉडी के बाहर भी रह सकते हैं। अंदर रहने वाले को इंडो पैरासाइट, बॉडी के बाहर रह करके उससे ऑब्टेन करने वाले को एक्टो पैरासाइट। हम लोग जानते हैं बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी के अंदर है, खुद कोरोना वायरस, इवन बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे ऐसे फंजाई, बहुत सारे ऐसे प्रोटोजोअन्स हमारे बॉडी के अंदर हैं जो कि इंडो पैरासाइट के रूप में हैं और नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपना खाना ऑब्टेन कर रहे हैं। उनका मकसद ये नहीं होता है नुकसान पहुंचाना, बल्कि सिर्फ एक ही मकसद होता है कि अपने खाना को ऑब्टेन करना, बदले में रिजल्ट हम लोग को नुकसान पहुंचता है। लेकिन उतना डिटेल में नहीं जाते हैं हम लोग, कुछ कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है लाइस, घी हमारे जो बालों में होती है वो भी पैरासाइट है। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन को फॉलो करने वाले क्या है, जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को एब्सॉर्ब करते हैं। आपके नोट्स में हमने ये सारे डेफिनेशन को क्लियर कर दिया था, एक बार फिर से रिव्यू हम कर देते ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। फिर से बता दें होलोजोइक को हम लोग डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। सैप्रोफिटिक करने वाले एक प्लांट है जिनका नाम है कसकटा
कसकटा इनके एग्जांपल्स हो जाएंगे, सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक सॉरी कसकटा नहीं होगा सैप्रोफिटिक में, सैप्रोफिटिक्स में आपके आ जाएंगे मशरूम। कसकटा जो एग्जांपल होगा वो पैरासिटिक का होगा, एक पैरासाइट है प्लांट। और सिम्बायोटिक में हम लोग जानते हैं लाइकेंस, और स्कैवेंजिंग में वल्चर, आप इसको नोट कर लीजिए सिंपल। ब्रेड मोल्ड्स, सैक्रोफिटिक में ब्रेड मोल्ड्स भी होगा, ये सब एग्जांपल्स हैं, नोट कर लीजिए। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं थोड़ी डिटेल में। अब हम लोग डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं गोडोजोइक न्यूट्रिशन क्या है। सर गोडोजोइक न्यूट्रिशन, व्हाट इज गोडोजोइक न्यूट्रिशन? तो गोडोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो गोडोजोइक न्यूट्रिशन में कुछ कुछ आपको बात को ध्यान देना पड़ेगा कि सर ये गोडोजोइक न्यूट्रिशन एक सिंगल सेल वाले भी करते हैं और हम लोग जैसे मल्टी सेलुलर हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म, हाईली एडवांस ऑर्गेनिज्म भी ये होलोजोइक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। आखिर में हम लोग जानते हैं ये होलोजोइक न्यूट्रिशन है क्या। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म सबसे पहले फूड को अपने बॉडी के अंदर इनटेक करेगा, पहला स्टेप, स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। इनटेक ऑफ, और सबसे ध्यान देने वाली बात जो फूड रहेंगे वो सिंपल फॉर्म में नहीं रहेंगे बल्कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही रहेंगे, यानी बॉडी के लिए समस्या बढ़ने वाली है। क्योंकि जब आप कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं तो बॉडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उनको सिंपल फॉर्म में बदलना है, सिंपल सी बात है। तो इंटेक ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड। अब जब कॉम्प्लेक्स फूड अंदर जाएगा तो क्या होगा भाई, क्या होने वाला है, वो सिंपल में बदलेगा, सिंपल में सही नहीं बदलेगा बल्कि बॉडी के अंदर बहुत सारे एंजाइम सिक्रीट करने वाले हैं, बहुत सारे केमिकल सिक्रीट करने वाले हैं, और वही एंजाइम उसी केमिकल के मदद से ये कॉम्प्लेक्स फूड जो है सिंपल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिक्रीशन ऑफ एंजाइम भी हो सकता है, सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स। फिर उसके बाद एंजाइम्स की वजह से क्या होगा, एंजाइम्स की वजह से क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स फूड है वो टूट करके ब्रेक डाउन होकर के सिंपल में बदल जाएगा, सिंपल सी बात है। ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर में बदल देना, सिंपल सी बात है। फिर उसके बाद क्या होगा, बॉडी यूटिलाइज कर लेगा, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, यूटिलाइजेशन ऑफ सिंपल फूड, और कुछ कुछ फूड ऐसे भी हो सकते हैं जो कि ब्रेक डाउन नहीं हो पाए, यूटिलाइज नहीं हो पाए, उनको बॉडी से बाहर निकालना भी जरूरी है। क्योंकि अगर वो बॉडी में हमारे बॉडी में रहेंगे तो हो सकते हैं कुछ ना कुछ परेशानी, वो पॉइजन बन के हमारे बॉडी में रहे, तो अनवांटेड सब्सटेंस को हमारे बॉडी में नहीं रखना है, उसको इजेक्ट आउट करना है, उसको थ्रोन आउट करना है। तो थ्रोन आउट ऑफ अनडाइजेस्टेड अनयूटिलाइज फूड को भी हम लोग यहां बाहर कर देंगे, thrown out of undigested food। तो ये कुछ कुछ स्टेप्स हैं जो कि होलोजोइक न्यूट्रिशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हम चाहेंगे कि आप जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। दीज स्टेप्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर होलोजोइक न्यूट्रिशन टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। यू मस्ट कीप इन माइंड दीज पॉइंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो लिख लीजिए आप,
अब ये सारे प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, एक मैकेनिज्म, होलोजोइक न्यूट्रिशन को, सारे होलोजोइक न्यूट्रिशन को एक मैकेनिज्म से समझा देते हैं कि क्या क्या मैकेनिज्म है। तो आइए थोड़ा हम लोग जल्दी जल्दी चलते हैं, मैकेनिज्म होलोजोइक न्यूट्रिशन की क्या क्या मैकेनिज्म है। तो पांच प्रोसेस सामने आने वाले हैं, एक एक करके समझते हैं। अगर ये कोई भी फूड है, टेक एन एग्जाम्पल, हम अपना एग्जाम्पल लेते हैं, हम होलोजोइक न्यूट्रिशन परफॉर्म करने वाले एक ऑर्गेनिज्म है, कॉमन ऑर्गेनिज्म है, जो कि हम होलोजोइक न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं, और क्या क्या मैकेनिज्म होने वाला है। अब यहां पर आपको ध्यान से समझना है, मी एज अ ह्यूमन बीइंग द मोस्ट हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म इन दिस लिविंग वर्ल्ड, तो मेरे सामने फूड है, फूड इसलिए हम लोग को खाना है क्योंकि इसी से एनर्जी मिलेगा, इसी से हमारा बॉडी मेंटेन हो पाएगा। तो फूड जो हम लोग को मिला है भैया वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, आगे क्या होगा देखना है। सबसे पहले फूड को बॉडी के अंदर तो डालिए, तो इनटेक ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर अगर इनटेक करते हैं, बॉडी के अंदर अगर ले जाते हैं, तो किस प्रोसेस, पहले मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं इंजेशन, 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 इनका मतलब हुआ अंदर जाना। दूसरी बात कि जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि ये जो फूड है वो सिंपल फॉर्म में नहीं है, बल्कि किस फॉर्म में है, दिस फूड इज इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है भाई, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में से तो यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, उसको चेंज किस में करना है, तो चेंज करना है सिंपल फॉर्म में, तो कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में बदलना है, बॉडी के अंदर बदलना है, कुछ कुछ केमिकल के मदद से बदलना है। तो इस प्रोसेस को जब कोई भी सिंपल कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल में बदल जाए, इस प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर वन इज कॉल्ड डाइजेशन, इनको कहते हैं डाइजेशन। अब जब सिंपलर फॉर्म में बदल गया तो सिंपलर का मतलब हो गया कि वो अब सॉल्युबल फॉर्म में आ गया, वो अब एब्जॉर्बेबल, एब्जॉर्ब फॉर्म में आ गया, अब उसको एब्जॉर्प्शन हो सकता है उसका, उस फूड का, सिंपल फूड का। तो इंजेशन हो गया, इंजेशन के बाद सेकंड प्रोसेस डाइजेशन हो गया, अब उसको हमारा ब्लड क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो सेकंड इज एब्जॉर्प्शन, स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है, डेफिनेशन आपको ही लिखना पड़ेगा। फोर्थ पार्ट है, अब ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया तो हमारे हरेक हरेक ऑर्गन, इवन हरेक टिश्यू और इवन हरेक सेल को ये सिंपल फूड पहुंचाना है, क्योंकि हरेक को जरूरत है और हरेक को अलग अलग क्वांटिटी में जरूरत है इस फूड का, क्योंकि हरेक का एनर्जी रिक्वायरमेंट भी बिल्कुल अलग अलग होता है। तो अगर हमारा हरेक सेल ये एब्जॉर्ब फूड को पहुंचा दे, अगर पहुंच जाता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एब्जॉर्ब सिंपल फूड टू द एवरी टिश्यू वेयर इज, वेयर इट इज रिक्वायर्ड, उस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे ट्रांसपोर्ट हो जाना, पहुंच जाने को हम लोग कहेंगे, और वहां पहुंचने के बाद वो सेल भी उसको उसको रिसीव करेगा, उस प्रोसेस को कहेंगे एसिमिलेशन, एसिमिलेशन, कैसिमिलेशन, तो एसिमिलेशन, सिंपल है। अब कुछ कुछ ऐसे फूड हैं जो कि ना तो डाइजेस्ट हो पाए, अगर डाइजेस्ट हो गए तो सर एब्जॉर्ब नहीं हो पाए, तो उन फूड को पहले बता दिया कि अनवांटेड सब्सटेंस को हमारा बॉडी नहीं चाहता है रखना, उसको चाहता है भैया आप जल्दी से बॉडी के बाहर चले जाए, तो आप चले जाइए, गई ई आ रहा लास्ट में, तो जा रही है वो फूड, जा रही है, तो जाने को हम लोग कहते हैं इजेशन, ई गई, इजेशन। आप ऐसे भी ट्रिक से याद रख सकते हैं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इंजेशन और इजेशन में, आई स्टार्ट हो रहा है मतलब अंदर आ रही है, गई मतलब चली गई, बॉडी के बाहर चली गई, इजेशन, ई गई में ई आ गया, आई में आई आ रहा है, अंदर आ रहा है, सिंपल सी बात है। आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, सारे को आपको लिखना पड़ेगा, सारे का डेफिनेशन आपके लिए अगर समझ में आ गया तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, सारे का डेफिनेशन आपके लिए होमवर्क है, थोड़ा सा और हम लोग चलते हैं, सिंपल सी बात है, नोट कर लीजिए।
तो अभी हमने देखा कि ये क्या क्या मैकेनिज्म है हमारे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए, और ये जो सारे मैकेनिज्म हम लोगों ने पढ़ा वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए भी और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए भी। हम अपना एग्जाम्पल दे करके आपको बताए हैं, आप होप सो कि काफी अच्छा से लिखिएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नहीं तो काफी ज्यादा लेंदी हो जाए, काफी ज्यादा आपको प्रिपेयर करना है, ना कि सिर्फ आपको वीडियो देख करके मोटिवेट होकर के रह जाना है, नहीं भाई उसको नोट्स बनाना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि अभी हमारे पास करंट इन्फॉर्मेशन है, सभी लोग को ये न्यूज के बारे में अवेयरनेस मिल गया होगा, अवेयरनेस हो गया होगा कि लॉकडाउन बढ़ चुका है, और जैसे जैसे ये लॉकडाउन बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे ये ऑनलाइन क्लासेस का, ये वर्चुअल क्लासेस का इंपॉर्टेंस और भी बढ़ता चला जाएगा। तो इसका इंपॉर्टेंस बढ़ते रहेगा जब तक लॉकडाउन भी पड़ता है, यानी लॉकडाउन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। दैट्स ऑल फॉर टुडे, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।